भालवाचन भाई सर, हाँ सर, आज के मेनली हमारे एजल ने आशा हुए थे कि एकटा छोटो रिव्यू छिल और जखन थे करोना ये एनवायरमेंट स्टार्ट हुए थे तखन थे आशा पाई नहीं तो इसे सबाई उसने कथा बोल ओदर के बैट करा भालो कच करे और भविष्य दे होते थे আজ থেকে তো স্যার লকডাউন চালু হচ্ছে আবার কন্টেনমেন্ট জোনগুলোতে, সেইগুলোর কি ভিজিট করবেন আপনি বা কিছু ভেবেছেন? গভর্নমেন্ট যেভাবে আছে তারা কিছু নেই, যেভাবে ডিসিশন মেশিন আজকে এরা করছে কোনো স্পেশাল কোনো আছে যেখানে যদি কোনো বিশেষ বুঝে থাকে যেখানে কন্টেনমেন্ট জোন বলা হয়েছে ওটাই কন্টেনমেন্ট জোন, মানে কোনো নিলামি না স্যার, একটা পয়েন্ট আছে। এমনি কিছু বলে স্পেশাল কিছু ইনস্ট্রাকশন বাকি সব ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। स्किल पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जैसा आप लोगों ने पहले भी देखा है कि जितना भी कंटेनमेंट है वहाँ से जिस तरह का मूवमेंट हम लोगों का वहाँ पे रेगुलेट करते हैं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ ऑफिशियल मिलकर जिस तरह से कोऑर्डिनेट वे में एक्ट करते हैं वो हम लोगों का रहेगा। अभी जो एक्टिव हम लोगों के पास में 33 कंटेनमेंट जोन्स हैं, हमारा फोकस उनकी तरफ रहेगा और उसके बाकी की जो जगह हैं 33 के अलावा वहाँ पे जैसी नॉर्मल एक्टिविटी है वो चलेंगी, दैट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हम लोगों का प्रायोरिटी रहेगा वो हम लोग करवा रहे हैं। खड़गपुर में 13 कंटेनमेंट जोन है, तो ये जिला में ज़्यादा है। मैंने बोला आपको जिससे पहले बताया 33 टोटल मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, तो जिला में सबसे ज़्यादा है खड़गपुर में, तो खड़गपुर के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन कुछ दिए है? खड़गपुर में हम लोगों के स्पेशल टीम्स हैं यहाँ पर, मेरे एडिशनल एसपी एसडीपीओ से लेकर के एएस प्रोफेशनल और बाकी चेयरमैन साहब हैं हमारे, एसडीओ साहब हैं, ये पूरे टीम की तरह से काम कर रहे हैं। हम लोग सुपरवाइज कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की जो मीटिंग होती है वो हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, उनको जो सब डिविजनल टास्क फोर्स की मीटिंग है उन लोगों से जो इनपुट आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेल्प लगती है वो, और मैं खुद भी बीच बीच में सुपरवाइज कर रहा हूँ, तो आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन टू लेटर एंड।